हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अनिमेश स्वागत करता हूं आपका चैनल साइंस माइंस पे। न्यू ईयर 2020 आते साथ ही सबसे पहले शुरुआत हो जाती है न्यू ईयर रिजोल्यूशंस की, जिसमें एक रिजोल्यूशन जो हम लोग लेते हैं वो यह है कि हम रात में खाना खाना छोड़ देंगे। सो आज हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रात में खाना खाना एक बैड हैबिट है या ये एक मिथ है। तो सबसे पहले तो ये एकदम क्लियर है कि रात में खाना खाना हमारे शरीर को कोई भी फायदा नहीं पहुंचाता है, बल्कि उसका हमारे शरीर पे बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं। तो चलिए थोड़ा साइंटिफिक रीजंस के साथ जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कारण ये होता है कि सूर्य की रोशनी डिसइन्फेक्टेंट का काम करती है और वो एयर में से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हटा देती है। दूसरा, रात में छोटे छोटे इंसेक्ट्स जैसे कि कॉकरोच, मक्खियां, ये सारे सूर्य की रोशनी में कहीं छुपे हुए रहते हैं, बाहर नहीं आते, और जैसे ही सूर्य की रोशनी चली जाती है ये लोग एक्टिव हो जाते हैं और वो आपके खाने को स्पॉइल कर सकते हैं, और ये स्पॉइल्ड फूड खाने के कारण आपकी तबीयत जरूर खराब हो सकती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक सनराइज एंड सनसेट के साथ सेट है। जब सनराइज होता है और सूर्य की रोशनी अवेलेबल होती है, तब हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव फायर, जिसे पेट की आग भी कहते हैं, वो मैक्सिमम होती है। उस वक्त हम जो भी कुछ खाते हैं हमारा शरीर उसे डाइजेस्ट कर देता है, और सनसेट के साथ ही हमारी बॉडी की डाइजेस्टिव फायर भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसी कारण हम जो भी कुछ सनसेट के बाद खाते हैं वो हमारी बॉडी प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाती, और उसके कारण हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है, सनसेट के बाद हमारी बॉडी की एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, इसी के कारण हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाता है, और हमारे कम मेटाबॉलिज्म के कारण हम जो भी कुछ खाते हैं प्रॉपरली हमारा स्टमक उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो चलिए ये समझते हैं ये अनडाइजेस्टेड फूड हमें नुकसान क्यों पहुंचाता है। फूड अनडाइजेस्ट होने के कारण ये हमारी बॉडी में इनडाइजेशन क्रिएट करता है। इनडाइजेशन के कारण आपका पेट खराब भी हो सकता है और आपको बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम भी हो सकती है। दूसरा, फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट ना होने के कारण ये आपके शरीर में मोटापे की समस्या भी पैदा कर सकता है, और आपके बॉडी के अंदर फैट ज़्यादा इकट्ठा होगा और आपका वजन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो चलिए समझते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में ये तो एकदम क्लियर है कि हम रात में खाना खाना 100% तो अवॉइड नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट आपको ये करना है कि आप रात में सोने के पहले एटलीस्ट 3 घंटे पहले अपना खाना खा लें। दूसरा, आप जब भी रात में खाना खाते हैं उसके बाद एटलीस्ट 10 मिनट के लिए आप वॉक जरूर करें। आप जब वॉक करते हैं आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म को आप धीरे धीरे बढ़ा देते हैं, जो आपके स्टमक को सपोर्ट करता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रात में जल्दी खाना खा लेने का एक सोशल फायदा भी है। आप जितने जल्दी खाना कंप्लीट कर देंगे आपके घर की महिलाएं उतने जल्दी खाने से रिलेटेड काम से फ्री हो जाएंगी, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली टाइम भी मिलेगा। अगर इस वीडियो ने आपका एक मिथ दूर किया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हम अपनी अगली वीडियोस में कौन से मिथ्स को कवर करें। तो दोस्तों, इस बार के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।